आगरा के ताजगंज क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। इन बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दरअसल ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बदमाशों के मूवमेंट की खबर मिली थी। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली। इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम के पास आने पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो बाइक समेत नीचे गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा करके उसे भी दबोच लिया। कल 27/7/2021 को शाम थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत दो इनामियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है। इस घटना में कृपाराम उर्फ रघु व्यक्ति घायल हुआ है। तो कृपाराम उर्फ रघु 392 मुकद लूट में वांछित अभियुक्त था और दूसरा व्यक्ति है सत्यपाल जी, ये दोनों बुढ़ाना गाँव का रहने वाला है। सत्यपाल जी 307 मुकदमे में वांछित हैं। तुरंत घटनाक्रम के अनुसार उसको हॉस्पिटल भेजकर तहरीर के अनुसार मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान ताजगंज के बुढ़ाना निवासी कृपा राम उर्फ राधे और दूसरे की बुढ़ाना निवासी सत्यपाल के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ वर्ष 2018 में लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में ये वांछित था। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।